हाय बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल बैराज सर एंड सूरज सर। इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो है बीएससी, बीए और बीकॉम के सभी सब्जेक्ट का जो है ऑल कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एजुकेशन, बीए पार्ट वन सेमेस्टर टू का एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा का थर्ड नंबर क्वेश्चन। बीए पार्ट वन सेमेस्टर टू का शिक्षा जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ बीए पार्ट वन सेमेस्टर, सेमेस्टर कौन सा है? सेकंड का शिक्षा। शिक्षा पढ़ाएंगे, यही सब्जेक्ट है। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को। ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में वैदिक कालीन शिक्षा के दोषों की विवेचना कीजिए, दोषों की विवेचना कीजिए। ओके, भारत में आधुनिक शिक्षा में इन दोषों का निवारण कहां तक हुआ, दोषों की विवेचना कीजिए और निवारण कहां तक हुआ, क्लियर। अथवा में हम अपनी वर्तमान शिक्षा पद्धति में वैदिक शिक्षा के किन किन सिद्धांतों को शामिल कर सकते हैं और क्यों, ठीक है, किन किन शिक्षाओं को शामिल कर सकते हैं और क्यों। वैदिक कालीन शिक्षा का समालोचन मूल्यांकन कीजिए। ओके, तो हम फिर दिया हुआ है वैदिक कालीन शिक्षा के गुण दोष की व्याख्या कीजिए, गुण का भी व्याख्या करना है और दोष का भी व्याख्या करना है। आधुनिक शिक्षा में आप इस काल की शिक्षा में कौन से गुण अपनाएंगे, आधुनिक शिक्षा में इस काल में आप शिक्षा में कौन सा गुण अपनाएंगे। समझ में आ रहा होगा बच्चों? चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। ठीक है, देखिए यहाँ उत्तर, उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। भारत में शिक्षा का प्रारंभ आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ये पढ़ाया था, सेकंड में भी पढ़ाया और थर्ड क्वेश्चन में फिर ये रिपीट करने जा रहे हैं हम। कितने हजार वर्ष पूर्व हुआ था? 4000 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन बट इसका सुसंबद्ध व्यवस्थाई रूप से वैदिक काल से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? सुव्यवस्थित रूप से वैदिक काल से प्रारंभ हुआ। इस काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। सा बार बार यही रिपीट किया जा रहा है, कितना आधिपत्य था ब्राह्मणों का, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में भी वही बात, कुछ नया नहीं है। इसलिए ये सब आपको लर्न हो जाना चाहिए, बहुत इजीली है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आधिपत्य किसका था? ब्राह्मणों का आधिपत्य था, इसलिए ब्राह्मणी अथवा हिंदू शिक्षा भी कहते, किसे कहते हैं? ब्राह्मणी अथवा हिंदू शिक्षा भी कहते हैं। किसे? ब्राह्मणी अथवा हिंदू शिक्षा, एकदम लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैदिक काल में शिक्षा को विद्या, ज्ञान, प्रबोध तथा विनय आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, ठीक है, विद्या आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। शिक्षा को प्रकाश के स्रोत एवं स्टार्ट बच्चों यहां से जो है कहां तक पढ़ाए हम, व्यक्तियों को जो है, देखिए यहां, इसलिए ब्राह्मणी शिक्षा व हिंदू शिक्षा कहा गया। नेक्स्ट, वैदिक काल में शिक्षा को विद्या, ज्ञान, प्रबोध तथा विनय आदि शब्दों से प्रस्तुत किया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शिक्षा को प्रकाश स्रोत एवं अशिक्षित व्यक्तियों को विद्याविहीन पशु कहा गया था, क्लियर। शिक्षा को ज्ञान चक्षु अथवा तीसरा नेत्र भी कहा गया है, तीसरा नेत्र कहा गया है शिक्षा को। कितना फोकस दिया गया शिक्षा पे, देख रहे हैं बच्चों? शिक्षा को दिव्य ज्योति कहा गया, शिक्षा को क्या कहा गया? दिव्य ज्योति भी कहा गया है, जिससे व्यक्ति क्या होता है, का सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण डेवलप होता है, विकास होता है। शिक्षा से व्यक्ति उत्तम जीवन व्यतीत करने, मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है, अच्छे से जीवन जीने और मोक्ष प्राप्त करने में क्या होता है, सक्षम होता है, डेवलपिंग थिंकिंग होता है, डेवलपिंग माइंड होता है, हर तरह से विकास होता है। शिक्षा से कोई जो है अनबल नहीं होगा, हमेशा जब भी होगा तो प्रोग्रेस ही होगा और शिक्षा कभी बेकार नहीं होती। इसलिए शिक्षा से क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होती और सर्वांगीण विकास होता है। अल्तेकर के अनुसार शब्दों में क्या कहता है, शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है, जीवन के विभिन्न पहलुओं में क्या करता है, हमारा सच्चे पथ प्रदर्शन करता है, ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आएगा फिर बोलिएगा, फिर बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां कोई दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा,
थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, सारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, उद्देश्य क्या थे? आदर्श वैदिक काल में शिक्षा को धर्म के मार्ग पर, किसके मार्ग पर? धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना गया। धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना गया है, ठीक है। अतः कहा गया है कि अपने प्राचीन काल से ही शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं थी, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, क्या थी? शिक्षा धर्म का अंग एक थी, धर्म का अंग थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को इसी तथ्य के आधार पर, दिक्कत होगा सारा क्लियर करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं, ये पॉइंट देख रहे होंगे। अल्टेकर के अनुसार, अल्टेकर के अनुसार क्या बोला गया है? वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य धार्मिक भावना का, धार्मिक भावना का विकास, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कार्य कुशलताओं में वृद्धि, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्रमुख थे। फिर से लाइन को रिपीट करते हैं, सामाजिक वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का विकास, व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, सामाजिक कर्तव्यों का पालन, ठीक है, सामाजिक कार्य कुशलताओं में वृद्धि तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार मुख्य थे, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन, वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन क्या था? वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या था? देख रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा के गुण, गुण गुण क्या थे? देखिए यहाँ वैदिककालीन शिक्षा गुण क्या थे। प्राचीन भारत में जिस शिक्षा प्रणाली का संगठन किया गया, प्राचीन भारत में जिस शिक्षा प्रणाली का संगठन किया गया वह अनेक सदियों तक चलती रही, वह अनेक सदियों तक चलती रही। इस प्रणाली में अनेक गुण तत्व विद्यमान थे, इस प्रणाली में अनेक गुण तत्व क्या थे? विद्यमान थे, जिसका बौद्धिक योगदान प्रत्येक दृष्टि से सराहनीय है, जिसका बौद्धिक योगदान क्या था? प्रत्येक दृष्टि से सराहनीय है, ठीक है, ये पॉइंट यहां, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। वैदिक कालीन शिक्षा में निम्न गुण अच्छाइयां थी, निम्न गुण और अच्छाइयां थी, वैदिक काल में शिक्षा का निम्न गुण और अच्छाइयां थी, ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा का निम्न गुण और अच्छाइयां। ओके, इज दैट क्लियर? फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ, धार्मिक भावना का विकास, धार्मिक भावना का विकास कैसे हुआ? वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ईश्वर, ईश्वर भक्ति, धार्मिक भावना का विकास था, ईश्वर भक्ति था और धार्मिक भावना का क्या था? विकास किया गया था। शिक्षा पूर्णतया आध्यात्मिक व धर्म प्रधान थे, शिक्षा क्या थी? आध्यात्मिक व धर्म प्रधान थी। चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण कैसे हुआ करते थे? इस काल में शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था, किस पर बल दिया गया? चरित्र निर्माण पर बल दिया गया, चरित्र पर विशेष बल दिया गया, ठीक है। छात्र ब्रह्मचारी व्रत नियमित संयमित स्वानुशत सरल व सादा जीवन व्यतीत करते, कैसा जीवन व्यतीत करते थे? ब्रह्मचारी व्रत नियमित संयमित स्वानुशासित सरल व सादा जीवन व्यतीत करते थे। छात्र को ये सब आवश्यक है, इंद्रिय निग्रह परोपकार समानता सहिष्णुता आज्ञा पालन और विनम्रता कर्तव्य परायणता के गुणों में उन्हें अभिभूत किया जाता था, ठीक है, कर्तव्य पालन के अभिभूत किया जाता था। परोपकार समानता सहिष्णुता आज्ञा पालन विनम्रता कर्तव्य परायणता के गुणों को क्या किया जाता था? उन्हें अभिभूत किया जाता था। व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार किया गया? देखिए व्यक्तित्व का विकास भी किया जाता है शिक्षा में, हर तरह से जो है विकास किया जाता है। वैदिक शिक्षा पद्धति का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास था, क्या था? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया गया, ठीक है। छात्र का धार्मिक व आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भौतिक उत्थान भी किया जाता था, छात्र का धार्मिक व आध्यात्मिक विकास के साथ भौतिक उत्थान भी किया जाता था। छात्रों के समक्ष अच्छे अच्छे दृष्टांत व उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे, अच्छे अच्छे दृष्टांत व उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे, क्लियर। शिक्षा का अस्थाई भाव, शिक्षा का अस्थाई भाव क्या था? अस्थाई भाव, प्राचीन भारतीय शिक्षा का रूप आदर्शवाद पर आधारित था,
किस पर आधारित था? आदर्शवाद पर आधारित था, ठीक है। इस कारण शिक्षा का मूल्य अस्थाई था, शिक्षा का मूल्य क्या था? अस्थाई था, ठीक है। यही कारण था, क्या कारण था? देखिए यहाँ, यही कारण था कि राजनीतिक उथल पुथल प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट करने में असमर्थ रही। राजनीतिक उथल पुथल जो है प्राचीन भारतीय शिक्षा को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया, पूर्ण रूप से हटा दिया, क्लियर। शिक्षा के जीवन से निकटता, शिक्षा के जीवन से निकटता क्या है, लाइफ से कितना संबंध जुड़ता है शिक्षा का, वो यहाँ बताया जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों आप लोग। शिक्षा का उद्देश्य था शिक्षा जीवन से चिर संबंधित, शिक्षा जीवन से चिर संबंधित थी, चूंकि भारतीय शिक्षा का उद्देश्य भौतिक उन्नति करना था, भौतिक उन्नति करना था, ठीक है, बल्कि आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना था, बल्कि आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास भी करना था। 6 नंबर राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा व प्रसार, राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा व प्रसार पर भी विशेष बल दिया गया है, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण है, तो लक्ष्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, राष्ट्र का धरोहर हमेशा रहना चाहिए, राष्ट्रीय संस्कृति हमेशा रहना चाहिए, इसको हमेशा से आगे बढ़ाया गया है, इसलिए राष्ट्रीय संस्कृति और विशेष धरोहर पर विशेष बल दिया गया और संरक्षण और उसका प्रसार करना था और उसका प्रचार और फैलाना था और प्रसार भी करना था। गुरु शिष्य के मध्यम आदर्श संबंध, गुरु शिष्य के मध्यम कैसा संबंध था, आदर्श संबंध। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है, गुरु शिष्य के मध्य आदर्श संबंध हुआ करते। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, मधुर व पवित्र थे, कैसे थे, मधुर व पवित्र हुआ करते थे। उनका यह संबंध प्रेम कर्तव्य श्रद्धा पर आधारित था, प्रेम कर्तव्य व श्रद्धा पर आधारित था। शिक्षक छात्र से क्या करते थे, पिता तुल्य व्यवहार करते और छात्र की आध्यात्मिक उन्नति का एक महान साधन थे। शिक्षक छात्र से जो है पिता तुल्य व्यवहार करते थे, पहले के शिक्षक जो ऐसे ही थे, और छात्र की आध्यात्मिक उन्नति का एक महान साधन थे। ओके क्लियर। छात्र गुरु कैसा संबंध था, छात्र गुरु को आध्यात्मिक पिता मानता था, छात्र को कैसा मानता था, आध्यात्मिक पिता मानता था, ठीक है। छात्र गुरु क्या मानता था, फिर से आध्यात्मिक पिता मानता था, एकदम लर्न हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। शिक्षा ब्रह्म का नियंत्रण से मुक्ति, शिक्षा ब्राह का नियंत्रण से मुक्ति करती थी, क्या करती थी, शिक्षा ब्राह से नियंत्रण। 8 नंबर पॉइंट क्या है, शिक्षा ब्रह्म से नियंत्रण मुक्ति। शिक्षा पर इस काल में किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं था, किसी प्रकार का बाहरी नियंत्रण शिक्षा पर नहीं था, ठीक है, बाहरी नियंत्रण कोई नहीं था शिक्षा पर। राज्य सरकार व राजनीतिक दल, राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं था, राज्य सरकार व राजनीतिक दल, राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं था शिक्षा पर, ठीक है। इस प्रकार निसंकोच कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, निसंकोच। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था गौरवमयी थी। डॉक्टर पीएन प्रभु के शब्दों में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ, इसने शक्तिशाली व्यक्तियों का निर्माण किया, कितने व्यक्तियों का निर्माण किया, शक्तिशाली व्यक्तियों का निर्माण। एकदम स्टोरी की तरह लर्न हो जाएगा आप लोग को, कोई परेशानी नहीं होगी। जिनकी मानसिक शक्तियां सुविकसित थी और जिनका ज्ञान भावना पवित्र व क्रियाशील था, जिनकी मानसिक शक्तियां जो थी सुविकसित थी और जिनकी ज्ञान भावना पवित्र व क्रियाशील। इस चैनल के माध्यम से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बीए का सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, कहीं भी परेशानी होगी एकदम इजिली जो है आप लोग को समझा दिया जाएगा। अब देखिए वैदिक कालीन शिक्षा के दोष भी थे। अब क्या दोष थे बच्चों, देखिए यहाँ, वैदिक कालीन शिक्षा में अनेक विसंगतियां व दोष आने लगे। क्या आने लगे, जिसके कारण उसका पतन प्रारंभ हुआ, पतन भी प्रारंभ हो गया, दोष हो गया तो पतन होगा ही। ये दोष असफलताएं अग्र प्रकार है, ये दोष असफलताएं और क्या है, अग्र प्रकार है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, धार्मिकता पर अत्यधिक बल दिया गया। वैदिक कालीन शिक्षा में धार्मिकता पर अधिक बल दिया गया, किस पर दिया गया, धार्मिकता पर, धार्मिक पर अत्यधिक बल दिया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
केवल एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, बस पूरा लर्न हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एकदम एक बार बस वीडियो ध्यान से देख लेना है। धार्मिकता की अधिकता ने लोगों को असांगरिक बना दिया, धार्मिकता और लोगों को क्या बना दिया, असंसारिक बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, असंसारिक बना दिया। धार्मिकता की अधिकता जो थी वो लोगों को असंसारिक बना दिया, लोक भाषाओं की उपेक्षा, लोक भाषाओं की उपेक्षा, पॉइंट क्या कह रहा है देखिए यहाँ, लोक भाषाओं की उपेक्षा, लोक भाषाओं की उपेक्षा, शिक्षा व धार्मिक अनुष्ठानों का माध्यम संस्कृत भाषा, किस भाषा से था, संस्कृत भाषा, जिसके कारण लोक भाषाओं की उपेक्षा रही, लोक भाषाओं की उपेक्षा रही व उनका विकास अवरुद्ध हो गया, उनका विकास क्या हुआ, अवरुद्ध हो गया, रुक गया, ठीक है। विचार स्वतंत्र का अभाव, विचार स्वतंत्र का अभाव क्या था, प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म की प्रधानता होने के कारण सामान्य लोगों में यह भावना विकसित हो गई, सामान्य लोगों में क्या भावना विकसित हो गई, देखिए यहाँ, यह भावना विकसित हो गई कि धर्म शास्त्र में जो लिखा था, किस शास्त्र में लिखा था, धर्म शास्त्र में जो लिखा था वही सत्य है, क्या है, वही सत्य है। लोगों में अंधविश्वास और रूढ़िवाद विचार पर पनपने लगे, अंधविश्वास पनपने लगा और रूढ़िवादी पनपने लगा, अंधविश्वास, झाड़ फूक, ओझा टोना, ये सब, फलस्वरूप वैचारिक स्वतंत्रता का अभाव रहा, किसका अभाव रहा, वैचारिक स्वतंत्रता का अभाव रहा। हस्तकार्य व शारीरिक श्रम के प्रति हे भावना, हे भावना किसके प्रति रही, हस्तकार्य व शारीरिक श्रम के प्रति। चार नंबर पॉइंट कह रहा है, स्टोरी की तरह है बच्चों, कोई बोरिंग नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से बैठ के देखते रहिए बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम स्टोरी की तरह है। इस काल की शिक्षा में कलाओं कि शिक्षा समुचित व्यवस्था नहीं थी, इस काल में शिक्षा की कलाओं में क्या थी, समुचित व्यवस्था नहीं थी, शारीरिक श्रम व हस्तकार्य को हीन समझा जाता था, शारीरिक श्रम, शरीर से जो मेहनत किया जाता था और हस्तकार्य, हाथों से जो कार्य किया जाता था उनको हीन समझा जाता था, ठीक है। यह शिक्षा वंश परंपरा पर आधारित थी, वंश परंपरा पर आधारित थी, जैसे देख लीजिए यहाँ, वंश परंपरा पर यह आधारित थी। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, स्त्री शिक्षा की उस समय उपेक्षा थी, ठीक है, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा दर्शा रहा है। इस काल में बालिकाओं की शिक्षा पर ही होती थी, कहाँ होती थी, इस काल में बालिकाओं की शिक्षा घर पर ही हुआ करती थी, ओके, बालकों की भांति उनकी शिक्षा उपेक्षित थी, बालकों की भांति उनकी शिक्षा क्या थी, उपेक्षित थी। क्लियर, समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोग को, उपेक्षित थी। सिक्स नंबर पॉइंट क्या कह रहा है देखिए यहां, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदलती, वर्ण व्यवस्था किस में बदलती, जाति व्यवस्था में बदलती गई, वैसे वैसे शूद्रों की शिक्षा उपेक्षित होने लगी। जैसे वर्ण व्यवस्था वर्ग के आधार पर विभाजित किया गया, ठीक है, वर्ण व्यवस्था वर्ग के आधार पर, छत्री ब्राह्मण, छत्री वैश्य शूद्र, ठीक है, उनकी शिक्षा भी उसी आधारित पर निर्धारित करने जाने लगी, ठीक है, किस आधारित पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर। तो वैसे वैसे शूद्रों की शिक्षा उपेक्षित होने लगी, शूद्रों की शिक्षा जो है उपेक्षित होने लगी, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, किसको देखा जाता था, शूद्रों को देखा जाता था बच्चों, घृणा की दृष्टि से। सेवन नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, शिक्षा शिक्षक प्रधान थी, शिक्षा शिक्षक प्रधान थी, इस काल में शिक्षा बाल केंद्रित न होकर शिक्षक प्रधान थी, शिक्षा बाल केंद्रित न होकर शिक्षा पर प्रधान थी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में अनेक दोष थे, क्या थे, अनेक दोष थे। वास्तविकता, वास्तविकता क्या थी, देखिए यहाँ यह है कि वैदिक शिक्षा ने भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में अपूर्व योगदान दिया। व्यवस्था कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, व्यवस्था कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन समय के साथ कुछ दोष आ ही जाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज भी हमारी वैदिक संस्कृति जीवित है, आज भी हमारी वैदिक संस्कृति जीवित है। वैदिक संस्कृति के बिना हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वैदिक काल से ही चला रहा है, बहुत सारा काम है जो वैदिक संस्कृति को जिंदा रखता है और वैदिक संस्कृति आज भी हम लोग की जीवित है। इसलिए जो है
श्री एस एस मुदालियर के अनुसार, एस एस मुदालियर क्या बोलते हैं, श्री एस 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 एल मुदालियर के अनुसार, श्री एस एल मुदालियर के अनुसार, एस एल मुदालियर के अनुसार, हम भारतवासियों को अपने प्राचीन सभ्यता, हम भारतवासियों के अपने प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को पहचानना चाहिए। हम भारतवासियों को क्या करना चाहिए, सभ्यता व संस्कृति को पहचानना चाहिए। सभ्यता और संस्कृति को हम लोग पहचानते हैं ना, हैं बताइए आप लोग। हम भारतवासी सभ्यता और संस्कृति के बहुत महत्व रखते हैं। भारत की संस्कृति ऑल वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है जानी पहचानी जाती है, नामी जाती है। इसलिए जो है सभ्यता और संस्कृति के लिए भारतवर्ष, भारत देश जो है प्रधान है। और यहाँ की संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति है हम लोगों की। दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जहाँ भारत की संस्कृति जो है न चलती हो और न इसकी जो है कहीं उपेक्षा की जाती हो, ऐसा कहीं नहीं है। भारत की संस्कृति बहुत अच्छी, ईश्वर करे भावी पीढ़ी उसकी वास्तविकता आत्म को पहचानने और उसे अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहे। ईश्वर करे भावी पीढ़ी उसकी वास्तविकता आत्म को पहचानने और उसे अपनाने के लिए क्या रहे, प्रयत्नशील रहे। ओके क्लियर। देखिए बच्चों, आधुनिक भारत शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा का योगदान, आधुनिक भारत शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा का योगदान क्या मिला, का योगदान या आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणी तत्व। आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणी तत्व क्या थे, आधुनिक शिक्षा तथा प्राचीन शिक्षा के मध्य अनेक शताब्दियों का अंतर है। क्या है, अनेक शताब्दियों का अंतर है, पर फिर क्या है भी प्राचीन शिक्षा के अनेक तत्व हैं, पर फिर भी प्राचीन शिक्षा के अनेक तत्व हैं जिनको सिद्धांत और व्यवहार दोनों दृष्टियों से आधुनिक शिक्षा में स्थान दिया जा सकता है, व्यवहार दोनों दृष्टियों से आधुनिक शिक्षा में स्थान दिया जाता है। इस प्रकार के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं, मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं, क्या है, आदर्श विदिता, आदर्श विदिता। हम वैदिक कालीन शिक्षा की आदर्श विदिता को आधुनिक शिक्षा के एक मूल रूप सिद्धांत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। किस रूप में ग्रहण कर सकते हैं, मूल रूप सिद्धांत में ग्रहण, बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण, सादा भोजन और उच्च विचार को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य में स्थान दे सकते हैं। इज दैट क्लियर, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो है सब समझ में आना चाहिए बच्चों आप लोगों को, दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट, सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। भोजन और उच्च विचार को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य में स्थान दे सकते हैं। टू नंबर क्या कहता है यहाँ पॉइंट, अनुशासन व गुरु शिष्य संबंध, अनुशासन व गुरु शिष्य संबंध क्या थे। आज प्रत्येक विद्यालय में अनुशासनहीनता का वातावरण देखने को मिलता है, प्रत्येक विद्यालय में क्या मिलता है, अनुशासनहीनता देखने को मिलता है। कोई भी बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, पहले जैसा आप जैसे गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करता था उस टाइप के बच्चे रह गए हैं, स्टूडेंट रह गए हैं, है? गुरु से उस तरह का बिहेव करते हैं नहीं। तो आजकल देखिए, आजकल का बता रहे, अनुशासन और गुरु शिष्य संबंध, आज प्रत्येक विद्यालय में अनुशासनहीनता का वातावरण देखने को मिलता। हम जानते हैं कि आज छात्र छात्र शिक्षक प्राचीन युग के आदर्श तक नहीं पहुंच सकते हैं, पर फिर भी उसकी ओर अग्रसर होकर कुछ सफलता प्राप्त की जा सकती है, कुछ सफलता प्राप्त की जा, उच्च ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं बल्कि कुछ तो सुधार हो सकता है बच्चों, ठीक है। शांत वातावरण, शांत वातावरण रहना बहुत जरूरी है, दिमाग बुद्धि के लिए शांत वातावरण रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। प्राचीन काल से ही सभी शिक्षा संस्थाएं नगर के कोलाहल और दूषित वातावरण से दूर किसी शांत स्थान में स्थित थी। प्राचीनतम काल की सभी शिक्षाएं नगर के कोलाहल, ठीक है, और दूषित वातावरण से दूर शांत स्थान में स्थित थी। आज ऐसा संभव नहीं है, फिर भी उनका निर्माण नगरों के कोलाहल और गंदगी से दूर शांत और प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है, ठीक है। आज भी जो है शिक्षा जो है शांत वातावरण में ही अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, और नगर से दूर ही प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए जो है शिक्षा पर विशेष फोकस देके और शांत वातावरण, दिमाग शांत करके, माइंड स्टेबल करके तभी शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है। वही कह रहा है, दूर शांत और प्राकृतिक वातावरण में किया जा सकता है। शिक्षण विधि व शिक्षण संस्थान, फोर नंबर क्या बोल रहा है, शिक्षण विधि क्या थी व शिक्षण के संस्थान क्या थे, ठीक है।
सिद्धांत क्या थे। प्राचीन भारत की शिक्षण विधि विधि श्रवण मनन चिंतन स्मरण प्रवचन प्रश्नोत्तर व्याख्यान वाद विवाद आदि का प्रयोग आधुनिक शिक्षा के विभिन्न विषयों के पठन पाठन में प्रयोग किए जाने के योग्य है। समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को, शिक्षण विधि व शिक्षण संस्थान क्या थे। प्राचीन भारत की शिक्षण विधि श्रवण मनन चिंतन स्मरण प्रवचन प्रश्नोत्तर व्याख्यान वाद विवाद आदि का प्रयोग आधुनिक शिक्षा के विभिन्न विषयों के पठन पाठन के प्रयोग से किए जाने योग्य है। क्लियर। छात्रों का सरल जीवन क्या था, छात्रों का सरल जीवन पॉइंट क्या है, कैसा था जीवन, सरल जीवन था। ओके। वर्तमान काल में छात्रों का अध्ययन की ओर कम तथा भौतिक वस्तुओं की ओर अधिक है, अध्ययन की ओर कम और भौतिक वस्तुओं की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। समझ में आ रहा है बच्चों, डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल ने लिखा है। क्या लिखे हैं महेश चंद्र सिंघल, सिद्धांत रूप में हमें इतना तो मानना ही चाहिए। क्या मानना चाहिए, आज भले ही सिर मुड़ाने लंगोटी बांधने तथा स्त्री जाति के सदस्यों के दर्शन मात्र से बच कर रहने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन सादा और संयमित जीवन नियमित दिनचर्या तथा दुर्वसनों से बचकर रहना वांछनीय है। ठीक है, आज क्या लिखे हैं महेश चंद्र सिंघल जी ने, सिद्धांतिक रूप से इतना तो मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए भाई, देखिए भले ही सिर मुड़ाने, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया जाता था, सिर मुड़ाया जाता था, ओके, लंगोटी बांधा जाता था, उस समय स्त्री जाति के सदस्यों के दर्शन मात्र से दूर रहा जाता था। सोच लीजिए बच्चों, रहने की आवश्यकता नहीं है, आज नहीं है लेकिन पहले रहा जाता, लेकिन सादा और संयमित जीवन, सादा और संयमित जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, नियमित दिनचर्या, एक रूटीन के हिसाब से अपने टाइम को टेबल को बांध के और उसी दिनचर्या पर काम करना चाहिए, नियमित दिनचर्या, तथा दुर्वसनों से बचकर रहना वांछनीय है। ठीक है, इससे संबंधित लघु उत्तरी प्रश्न अब हम बताएंगे आप लोगों को। ओके, संबंधित लघु उत्तरी प्रश्न जो है, वैदिक कालीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा में योगदान क्या था। ठीक है, और वैदिक कालीन शिक्षा के दो स्वगुण क्या थे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बच्चों। अगर बच्चों चैनल अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स बरेली।